दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। क्रिकेट का महासंग्राम यानी वीवो आईपीएल 2021 के फेज 2 की शुरुआत में अब कुछ टाइम बचा है। जी हां, 19 सितंबर से यूएई में यह शानदार टूर्नामेंट शुरू होने के लिए जा रहा है और आईपीएल 2021 के फेज 2 का पहला महामुकाबला हमें 19 सितंबर को भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे से डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये मैच होने वाला है और इस वीडियो में हम इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों के स्कोर्स को यहां पर कंपेयर करने वाले और जानेंगे कि भाई यूएई की कंडीशंस में कौन सी टीम किस टीम पर ज्यादा हैवी पड़ रही है। हेड टू हेड परफॉर्मेंस अभी तक दोनों टीमों का कैसा रहा है और भाई कौन सी टीम यहां पर इस महामुकाबले को जीतने वाली है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। यदि आप भी आईपीएल 2021 के फेज 2 को लेकर एक्साइटेड है तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं इस महामुकाबले की, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आईपीएल 2021 की पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमों की स्टैंडिंग्स की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक कुल 7 मैच खेले हैं, जहां पर भाई 5 मैचों में इस टीम को जीत मिली है, केवल 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते सीएसके की टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पे। वही दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की हम यहां पर बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस की टीम ने भी 7 मैच खेले हैं, 4 मैच जीती है, 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा और इस तरह से 8 पॉइंट्स के साथ मुंबई इंडियंस की टीम पॉइंट्स टेबल पर फिलहाल 4th नंबर पर। और भाई ऐसा परफॉर्मेंस यहां पर अभी तक चल रहा है, दोनों ही टीमों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक कुल 30 बार आमने सामने हुए हैं, लेकिन भाई यहां पर वन साइडेड मुंबई इंडियंस टीम का पलट हैवी है। जहां मुंबई इंडियंस की टीम ने यहां पर 31 में से 19 बार जीत दर्ज की है, केवल 12 बार यहां पर चेन्नई सुपर किंग की टीम जीत पाई। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूएई कंडीशंस की तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यूएई की धरती पर अभी तक मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स कुल 3 बार आमने सामने हुए हैं, जहां पर भाई 2 बार तो पिछले आईपीएल में आमने सामने थे, जहां पर एक मैच में मुंबई इंडियंस जीती थी, एक मैच में यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स जीती थी। मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग को 10 विकेट से हराया था। वही एक और मैच हमें यहां पर आईपीएल 2014 में देखने को मिला था, जहां पर भाई आईपीएल को यूएई शिफ्ट किया गया था और भाई वहां पर भी चेन्नई सुपर किंग ने जीत दर्ज की थी। यानी भाई यूएई की धरती पर ये दोनों टीमें अभी तक कुल 3 बार आमने सामने हुई है, जहां पर भाई 2 मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत दर्ज की है, 1 मैच में यहां पर मुंबई इंडियंस को जीत मिली। दोनों टीमें यूएई के दुबई, आबू धाबी और शारजाह तीनों स्टेडियम्स में आमने सामने हो चुकी, जहां पर भाई दुबई और आबू धाबी में चेन्नई सुपर किंग्स जीती और भाई शारजाह के मैदान पर मुंबई इंडियंस को जीत मिली थी। और भाई आईपीएल 2021 के फेज 2 का पहला मैच भी हमें दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ही देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम कंपेयर कर लेते हैं इस पहले महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल एंड परफेक्ट प्लेइंग 11 को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप ऑर्डर की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मुंबई इंडियंस की तरफ से यहां पर ओपनिंग करने उतरेंगे कप्तान रोहित शर्मा के साथ क्वेंटम डीकोक या फिर क्रिस लिन, और नंबर 3 पर हमें यहां पर सूर्य कुमार यादव दिखाई देने वाले। वही हम बात करते हैं दूसरी टीम यानी चेन्नई सुपर किंग की। तो वही चेन्नई सुपर किंग के टॉप ऑर्डर में यहां पर ओपनिंग करने उतरेंगे फाफ ड्यू प्लेसिस के साथ ऋतुराज गायकवाड, और नंबर 3 पर हमें यहां पर जबरदस्त ऑलराउंडर मोइन अली देखने को मिलने वाले। लेकिन अगर बात करते हैं कंपैरिजन की तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मुंबई इंडियंस का टॉप ऑर्डर सीएसके के टॉप ऑर्डर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और भाई यहां पर तो मुंबई इंडियंस की टीम ने बाजी मार ली है। उसके बाद हम बात करते हैं मिडल ऑर्डर की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मुंबई इंडियंस की तरफ से मिडल ऑर्डर में हमें ईशान किशन और किरण पोलार्ड खेलते हुए दिखाई देने वाले। वही हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की। तो भाई सीएसके के मिडल ऑर्डर में हमें यहां पर सुरेश रैना, अंबाती रायडू और महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिलने वाले हैं, और यहां पर मिडल ऑर्डर के मामले में वन साइडेड चेन्नई सुपर किंग्स का पलट हैवी नजर आ रहा है, क्योंकि भाई इस टीम के पास बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है दोनों। जी हां, सुरेश रैना और मैं यहां पर अंबाती रायडू की बात कर रहा हूं, उसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी इस टीम के पास जबरदस्त फिनिशर है, जिसके चलते भाई मिडल ऑर्डर यहां पर पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स का मजबूत नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर मिडल ऑर्डर की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मुंबई इंडियंस की तरफ से हमें यहां पर हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और जिमी निशम देखने को मिलने वाले। वही दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग के लोअर मिडल ऑर्डर में हमें यहां पर रविंदर जडेजा और सैम करन देखने को मिलने वाले, और भाई यहां पर भी मेरे को थोड़ा सा पलटा हैवी चेन्नई सुपर किंग्स का लग रहा है, क्योंकि रविंदर
रविंद्र जडेजा और सैम करन दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त है गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में यहाँ पर टॉप करते हैं, जिसके चलते भाई लोअर मिडल ऑर्डर के मामले में भी मुझे यहाँ पर वन साइडेड चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा हैवी लग रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर मिडल ऑर्डर की, तो भाई मुंबई इंडियंस की तरफ हमें यहाँ पर जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और राहुल चहर देखने को मिलेंगे। वही दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के लोअर मिडल ऑर्डर में हमें यहाँ पर शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और लुंगी एंगिडिया फिर इमरान ताहिर देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स की जो गेंदबाज है शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर दोनों खिलाड़ी अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोअर ऑर्डर के मामले में मुझे यहाँ पर वन साइडेड मुंबई इंडियंस टीम का पलड़ा हैवी लग रहा है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी हर टीम पर काफी ज्यादा हैवी पड़ती हुई नजर आने वाली है। ओवरऑल कंपैरिजन की हम यहाँ पर बात करते हैं तो भाई यहाँ पर कंपेयर करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 काफी खतरनाक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मुंबई इंडियंस के साथ जाना पसंद करूंगा, क्योंकि भाई मुंबई इंडियंस का यहाँ पर मतलब हर चीज में थोड़ा पलड़ा ज्यादा हैवी नजर आ रहा है। चाहे आप हेड टू हेड देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर टीमों के स्कोर्स को देख लीजिए, चाहे आप ये ओपनर्स को देख लीजिए, चाहे आप फिर बोलिंग डिपार्टमेंट को देख लीजिए, तो भाई आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम सीएसके की टीम पर थोड़ी सी ज्यादा हैवी पड़ती है। लेकिन दोस्तों आपके मुताबिक कौन सी टीम जीतेगी फेज टू का पहला मैच, मुंबई इंडियंस या फिर चेन्नई सुपर किंग्स, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।